नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, पिछले दिनों बैंकर पेंशन अपडेशन के बारे में कुछ खास बातें नहीं हो रही थी, केवल ये कि 6 अक्टूबर को SBI पेंशनर्स का जो केस दिल्ली हाई कोर्ट में लगा है वो, फिर 10-10 को MG सिंगला केस पेंशन अपडेशन का है। लेकिन इसी बीच में दो मैसेज फ्लैश हुए, एक तो ये कि श्री संजीव बंदलिस SBI पेंशनर एसोसिएशन त्रिचुपल्ली में एक कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे थे और वहां से एक मैसेज ये आया कि डियर पेंशनर्स, श्री संजीव बंदलिस हु पार्टिसिपेटेड इन SBI PSEC AGM मीट एज स्पेशल इनवाइटी एंड कन्वीनर ऑफ द UBU टुडे एट त्रिची इन्फॉर्म दैट पेंशन अपडेशन इन प्रोग्रेस with IBA and will be concluded in favor of pensioners without mentioning any details and the time frame. Let us wish for the best. और इससे थोड़ा सा पेंशनर के बीच में एक अच्छा वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स आया। फिर उसके बाद एक मैसेज और श्री RK वर्मा सहारनपुर से, उन्होंने लिखा, माई डियर फ्रेंड्स, I am happy to inform you that all major issues resolved. Such information has been received from the reliable sources that the DFS committee has sent their recommendations to Ministry of State for Finance to resolve both the issues of pension application 100% DA as well as State Bank 40 to 50% issues. Wait for the ministry approval. This report will be presented in Delhi High Court on the 6th October. Pension updation being recommended is a victory for pensioner activist RK Barma Saharanpur. इन दोनों मैसेज कितना अथेंटिकेट है इसके बारे में तब तक बात नहीं हो सकती जब तक 6 अक्टूबर को या 10 अक्टूबर को कोई सुप्रीम कोर्ट का या दिल्ली हाई कोर्ट का कोई फैसला पेंशनर के फेवर में नहीं आता है। लेकिन इस पॉजिटिव मैसेज से जरूर हमारे पेंशनर में एक रोमांच आया है, एक पॉजिटिव वाइब्स आई है। हां, दो बातें तो मैं भी श्योर कह सकता हूं कि 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन विल रिजॉल्व्ड एंड मिनिस्ट्री विल अप्रूव्ड। अब आप टाइम फ्रेम की बात, टाइम फ्रेम तो एक फिलहाल तो 6 अक्टूबर 10 अक्टूबर एक बार है, लेकिन कभी भी किसी समय 100% डीन्यूट्रलाइजेशन के अप्रूवल हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो 40-50% पेंशन के बारे में है, इट विल रिजॉल्व, ये भी रिजॉल्व हो जाएगा। और एक छोटे मोटे जो उनके पेंशनर्स इंप्रूवमेंट हैं सुधार के बाद में, वो भी हो जाएगा। बात फंसती है केवल पेंशन अपडेशन पे। हमारे कुछ साथियों ने इस बारे में भी हमसे भी डिस्कस किया था, उनका कहना था कि दिल्ली हाई कोर्ट या SBI इज रेडी फॉर देयर पेंशन अपडेशन फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होगा तो क्या बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक के में स्टेट ये पेंशन अपडेशन का कार्य लागू होगा कि नहीं होगा, इस बारे में संशय है। लेकिन जहां तक मेरी समझ है, मैं नहीं समझता हूं कि केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो जाए। हालांकि हमारे कुछ साथी कहते हैं उनका रेगुलेशन अलग है तो अलग हो जाएगा, यहां पे थोड़ा डिफर करता हूं। सरकार ऐसा कुछ नहीं करने जाएगी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पेंशन अपडेशन लागू करे और बाकी बैंकों के बारे में रोक दे, ऐसी उम्मीद कम लगती है। तो हो सकता है 6 अक्टूबर को जो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ने में जो कमेटी का रिकमेंडेशन आया है, जो हाई कोर्ट में रखा जाएगा, उसका सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। और जैसा कि सब लोग उम्मीद लगा रहे हैं, हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि शायद कुछ सुधारों के बाद 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन, SBI में पेंशन में 40-50% की बढ़ोतरी और उसके बाद कुछ कंडीशन लगा के इस पेंशनर्स का अपडेशन भी हो सकने के लिए एक पॉजिटिव रिकमेंडेशन आ सकता है। देखिए,
थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।